सो हमारी कटरा की जर्नी स्टार्ट होती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। यहाँ से आपको मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस जो आपको डायरेक्ट कटरा छोड़ेगी। इस एक्सप्रेस जो वंदे भारत है इसका जो किराया है वो जो चेयर कार है उसका 1300 रुपीज़ है और जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसका 2600 है। तो ये सुबह 6 बजे से चलती है और ये आपको 2 बजे तक एक्यूरेट टाइम तक उतार देती है, ऐसा ये लोग कहते हैं। बाकी हम लोग देखते हैं कि ये ट्रेन लेट होती है नहीं होती है, लेट उतारती है नहीं उतारती है। तो ये ट्रेन का इंटीरियर है, तो ये जो है वो चेयर कार है। इसमें एक साइड 3 सीटर होता है और एक साइड 2 सीटर्स होता है और आपको एक टेबल मिलेगी जिस पर आप अपना फूड वगैरह कुछ भी रख के खा सकते हैं। तो ये चेयर कार कुछ इस तरीके से होती है। इसका किराया जो है वो है 1300 रुपीज़, इसका फेयर चार्जेस 1300 रुपीज़ है। इस ट्रेन में आपको एक साइड जो है वो इंडियन टॉयलेट मिल जाएगा और एक साइड आपको वेस्टर्न टॉयलेट मिल जाएगा। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन्हें यूज़ कर सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे। और यहाँ पे आपको पैनिट्री भी मिलेगी, आगे आप देखेंगे पैनिट्री भी है। आपको जो भी अपने लिए ऑर्डर करना है आप इस ट्रेन में ऑर्डर कर सकते हैं। वो लोग आते रहते हैं बीच बीच में कि आप ये लीजिए ये ले लीजिए। तो यहाँ पे लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह भी वो प्रोवाइड कराते हैं, बट सब कुछ जो है वो चार्जेबल है, आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे उसके। ये इनकी पैनिट्री है। तो अब हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव क्लास जिसका जो फेयर चार्जेस है वो है 2600 रुपीज़। एग्जीक्यूटिव क्लास और जो चेयर कार है उसमें सिर्फ फ़र्क यही है कि यहाँ पे एक साइड जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसमें टू सीट होती है, मतलब एक साइड 2 सीट्स होते हैं और एक साइड 2 सीट्स होती है। तो यहाँ पे जो लेग स्पेस है और जो बीच का भी स्पेस है वहाँ पे काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है। और जो चेयर कार है उसमें एक साइड 3 सीटर होती है और एक साइड 2 सीटर, तो वहाँ पे स्पेस कम होता है। और इसकी चेयर्स जो हैं वो बड़ी भी होती हैं एग्जीक्यूटिव क्लास की। तो एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर क्लास में बस यही फ़र्क होता है। और ये स्पेशियस भी होती है, वो थोड़ी कम स्पेशियस होती है। तो यही है, ये ट्रेन जो है वो 3 स्टॉप्स पे रुकती है, अम्बाला, लुधियाना, जम्मू तावी और फिर सीधा कटरा। कटरा जो है इसका जो लास्ट डेस्टिनेशन होता है कटरा होता है। और ये हर हॉल्ट पे जहाँ रुकती है वहाँ पे सिर्फ ये 2 मिनट्स लेती है। ये हर हॉल्ट पे सिर्फ 2 मिनट रुकती है, उससे ज़्यादा ये नहीं रुकती है। मैंने तो टाइमर भी लगा के देखा था, ये सिर्फ 1 मिनट 52 सेकंड्स ही रुकती है, कम्प्लीटली 2 मिनट्स भी नहीं रुकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। अकॉर्डिंग टू इसमें हाइजीन फैक्टर देखा जाए तो जो वॉशरूम्स वगैरह हैं वो भी बाकी जो ट्रेन्स होती हैं नॉर्मल ट्रेन से उनसे काफ़ी ज़्यादा क्लीन होते हैं। अब आप देख रहे हैं जो हमारी डेस्टिनेशन है वो 47 मिनट में हम लोग कटरा स्टेशन पहुंचने वाले हैं और ये ट्रेन जो है वो 20 मिनट्स लेट है। यस 20 मिनट जो है ये ट्रेन लेट है हमारी। और जैसे कि ये कहते हैं कि हमेशा ट्रेन एक्यूरेट टाइम पर होती है, ये 2 बजे नहीं बल्कि 2:20 पे हमें उतारे। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है जो लोग कहते हैं कि वंदे भारत लेट नहीं होती, वंदे भारत भी लेट हो सकती है। तो जहां इसे हमें 2 बजे उतारना था अब ये हमें 2:20 पे उतारेगी। और अब हम उतर चुके हैं कटरा के स्टेशन पे। यस अब हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन कटरा के स्टेशन पे आ चुके हैं और हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोविड की क्या क्या सिचुएशंस हैं, कैसे कैसे क्या क्या चेक हो रहा है इस समय, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमसे मांग रहे हैं। तो देखते हैं। तो ये हम लोग कटरा के स्टेशन पे उतर चुके हैं और देखा जाए तो स्टेशन काफ़ी क्लीन है
और काफ़ी मेंटेन है हाइजीन फैक्टर से भी देखा जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग भी सही फॉलो हो रही है, मास्क वगैरह जैसे आप देख रहे हैं सब ने मास्क लगाए हुए हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वंदे भारत के लिए। बस ये थोड़ी लेट थी, वो मुझे लगा ये हमेशा टाइम पे ही होगी। अभी मैं आपको आगे टाइम भी दिखाऊंगी, इस समय हो रहे हैं 14:17, मतलब कि 2:17। तो इस ट्रेन ने जो है हमें 2:17 पे उतारा है। तो पहली बार मैंने देखा है कि वंदे भारत लेट हुई है, तो इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। अब आप देख रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड में ये सारे वो लोगों की क्यू है, लाइन है, जिन लोगों ने कोविड टेस्ट नहीं करवाया, और जिन लोगों ने कोविड टेस्ट करवाया है वो लेफ़्ट साइड से निकल जाते हैं। यहाँ पे जो पुलिस वाले अंकल हैं वो हमारे चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो कोविड की रिपोर्ट है वो है या नहीं, हमने टेस्ट कराया है या नहीं कराया है। तो हमने जो है कोविड का टेस्ट कराया था, तो इसलिए हम लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और हम जो है लेफ़्ट साइड से चले जाएंगे, और आगे जाके जो अपनी रिपोर्ट है वो कम्प्लीटली अच्छे से उन लोगों को दिखाएंगे कि हाँ हम लोग जो हैं वो कोविड नेगेटिव हैं और हमने कोविड टेस्ट कराया हुआ है। यहाँ पे सारा वो इंस्ट्रक्शन दे रखे है, मास्क पहनना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्यू में चलें, रेलिंग वगैरह को टच ना करें सरफेस को, जो अच्छी बात है होना भी चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे अभी कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो ये ऐसी था, सामने की तरफ क्यू में जो है वो टेस्ट हो रहे हैं कोविड के, इनका रिजल्ट जो है वो आधा आधा या एक घंटे में आता है, और जिन लोगों का टेस्ट हो रखा है वो जो है वो लेफ़्ट साइड से निकल जाएंगे। यहाँ सामने जो है जो लोग हैं वहाँ के पुलिस वाले जो हैं वो लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे कोविड रिपोर्ट्स हम लोगों की, कि हमारी कोविड टेस्ट हो रखा है या नहीं, हमारा रिज़ल्ट क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। अब आप यहाँ से सीधा चलते जाएंगे, तो यहाँ से सीधा चलते चलते हमारी जो है वो एग्ज़िट, और आप देखिए यहाँ से पूरा रेलवे स्टेशन कितना अच्छा लग रहा है, पूरा बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन है, और आप सामने देख सकते हैं कितनी बड़ी क्यू है कोविड टेस्ट वालों की, जिन्हें कोविड अभी टेस्ट कराना है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप घर से कोविड टेस्ट करा के आए हैं, यहाँ पर आके कोविड टेस्ट ना कराएं, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट 1-2 hours जो है इसमें वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप घर से करा के आएँ, तो आपका टाइम भी बचेगा, ये बेस्ट मेरे हिसाब से ये चीज़ अच्छी है। जैसे हम लोगों ने घर से ही करा के आए थे, यहाँ कराते तो हमारे 2 hours वेस्ट हो जाते। तो और आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। यहाँ से जब हम सीधे चले तो जो राइट हैंड साइड पे है हमारे वहाँ पे एग्ज़िट है, यहाँ से एग्ज़िट करते ही हम स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। आप देख रहे होंगे नीचे जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पे ही लोगों ने ज़्यादातर मास्क पहने हुए थे। अब जैसे ही स्टेशन पे आ गए हैं हम लोग ऊपर एग्ज़िट करने के टाइम पे, किसी ने भी मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ, और ये जम्मू में पता नहीं क्या था कि बहुत कम लोग मास्क पहन रहे थे, जम्मू में लोग मास्क पहन ही नहीं रहे थे, तो पता नहीं क्या था। तो यहाँ से आप जैसे ही स्टेशन से एग्ज़िट करेंगे आपको सामने भवन का पूरा अच्छा व्यू मिलेगा, पहाड़ मिलेंगे आपको, पूरी दिखेगी चढ़ाई करने वाली जो रेलिंग्स हैं, तो बहुत निकलते ही बहुत अच्छा व्यू था। यहाँ से निकलते ही आप लेफ़्ट हैंड साइड जब मुड़ेंगे तो आपको जो है वो टैक्सी और ऑटो स्टैंड मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे टैक्सी और ऑटो स्टैंड आप ले बाहर निकलिए और आपको वो मिल जाएगा। तो ऑटो वाले जो हैं वो जो कटरा चौक है वहाँ तक के सबके अपने अलग अलग चार्जेस हैं। यहाँ पे ऑटो वाले 200-250 अकॉर्डिंग टू पैसेंजर्स उसके हिसाब से चार्जेस करते हैं, और यहाँ पे प्रीपेड टैक्सी का भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड है। जैसे आप सामने देख रहे हैं वो वाइट कलर के बॉक्स में, वो वाइट कलर का जो बना हुआ है वहाँ पे प्रीपेड टैक्सी की भी फैसिलिटी है। तो अगर आप प्रीपेड टैक्सी कराना चाहते हैं तो आपको पहले यहीं पे पेमेंट करके अपनी स्लिप कटवानी होगी, और उसके हिसाब से आपके रेट होंगे कि आपको कहाँ जाना है, उसके हिसाब से मैंने ये आपको सामने मेंशन कर दिया है रेट लिस्ट वगैरह जो भी इनकी है। तो ये पूरा स्टेशन है, ऑटो वगैरह भी हैं, और यहाँ पे आपको होटल वगैरह भी मिल जाते हैं जो आपको होटल के साथ में जो है टैक्सी वगैरह सब चीज़ की फैसिलिटी देते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑटो चाहे तो ऑटो और टैक्सी चाहे तो टैक्सी बुक कर सकते हैं।
अब हम आ गए हैं कटरा चौक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और पार्ट टू देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलती हूँ अपने पार्ट टू में। थैंक यू।